यमुनानगर में निगम की हाउस मीटिंग में शहर की खराब व्यवस्थाओं का मुद्दा गूंजा। पार्षदों ने 6 महीने बाद हुई हाउस की मीटिंग में सफाई, स्ट्रीट लाइट, टूटी सड़कों, आवारा पशुओं, इन सभी मुद्दों पर हाउस में चर्चा की। इस दौरान इन मुद्दों को लेकर अधिकारियों और पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं पार्षदों ने आरोप लगाया कि मेयर और अधिकारी शहर को लेकर गंभीर नहीं है। हर बार इन व्यवस्थाओं पर चर्चा होती है, लेकिन शहर के हालात जस के तस हैं। नगर निगम होने के बाद भी शहर के हालात सही नहीं हो रहे। देखिए, पिछले 6 महीने के बाद आज हाउस की मीटिंग हुई है और आज भी पिछली मीटिंग की तरह शहर के विकास के लिए अगर मैं कहूं तो सच में कुछ नहीं है। जो प्रस्ताव पिछली मीटिंग में पास होते हैं वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होते नहीं। हमने सवाल किया मेरे साहब से, मेरे साहब आज का जो एजेंडा है इसमें बताइए नया क्या है। हम जो मीटिंग कर रहे हैं, पहली बात तो 6 महीने बाद मीटिंग हो रही है, 6 महीने बाद मीटिंग क्यों हो रही है? सब पार्षदों का कहना है कि हर महीने मीटिंग होनी चाहिए, शहर के विकास पर चर्चा करनी है तो हर महीने मीटिंग होनी चाहिए। MBBS छात्रों के लिए सरकार द्वारा सन 2020 में बनाई गई सर्विस बॉन्ड पॉलिसी को खत्म कराने के लिए हरियाणा में 4 मेडिकल कॉलेजों के 2021 और 2022 बैच के MBBS छात्र पिछले 14 दिन से विरोध कर रहे हैं। 15वें दिन भी सोनीपत, करनाल, मेवात और रोहतक के मेडिकल कॉलेज के छात्र पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में इकट्ठा होकर विरोध करने लगे, जिसे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया। छात्रों ने एक पत्रकार वार्ता कर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सर्विस बॉन्ड पॉलिसी के माध्यम से छात्रों को दबाव में रखना चाहती है। सरकार द्वारा लाई गई पॉलिसी सरासर गलत है। पता होगा कि हरियाणा सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी निकाली कि हम भाई छात्रों को जो है 10 लाख रुपए लेंगे, जो कि हमारे यहाँ फीस जो सरकारी कॉलेजेस की फीस होती है आपको पता है बहुत ही नॉमिनल होती है, सब्सिडाइज्ड फीस होती है हर जगह हर कॉलेज में। तो सरकार ने बोला कि हम आपसे 10 लाख रुपए लेंगे तब आपका अस्पताल में दाखिला, मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला देंगे। तो मैं सारी जनता से सवाल करना चाहूँगा, हमें भी पता है कि हमारे देश जो देश है उसमें गरीबी रेखा से हम कितने नीचे हैं, जो कि मंत्रियों को नहीं पता क्योंकि उनके पास पैसे हैं, धन लूटते हैं, उनको लगता है कि जनता के पास भी पैसे हैं, जनता का धन ऐंठना होता है। उन्होंने तो उन्होंने यहाँ कर दिया, यहाँ हमारे पास बच्चे आए तो बोले जी डॉक्टर साहब 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, कह रहे हैं 10 लाख रुपए की मोटी फीस जमा करवा दो और अपना एडमिशन ले लो। सोनीपत के राय गांव में बंगाली क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने रेड की। इस दौरान वहां पर भ्रूण हत्या करवाने के लिए सबूत मिलने के साथ साथ क्लिनिक के स्टोर में काफी दवाइयां भी मिली जो कि प्रतिबंधित हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर राय थाना पुलिस में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी मुन्ना दास, जो रुपयों के लालच में भ्रूण हत्या करवाने में माहिर है। थाना SHO बदन सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे अब पूछताछ की जा रही है जिसके बाद इसे अदालत में पेश किया जाएगा। सोनीपत और फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर राई गांव में रेड की थी बंगाली क्लिनिक केस पर PNDT एक्ट के तहत। उस टीम ने एक बोगस ग्राहक बनाकर इसके पास बंगाली क्लिनिक पर भेजा था। इसको मुन्ना दास नाम का आदमी चलाता है। मोहन दास के संबंध में उसने मोहन दास को नियम है कानून में उसकी उल्लंघना की है, उस आधार पर FIR दर्ज की है, उस मुन्ना दास को हमने गिरफ्तार कर दिया। अंबाला पुलिस अवैध शराब तस्करी को लेकर अभियान चलाती रहती है, जिसके दौरान एंटी नार्कोटिक सेल के द्वारा एक आरोपी को 53 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अंबाला पुलिस ने कल लगभग 4 ऐसे मामले और दर्ज किए और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ASP पूजा डाबला ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी बिट्टू से जो 53 पेटी शराब पकड़ी गई है उनमें से 30 पेटी पोए, 23 पेटी बोतल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ASP ने बताया कि आरोपी पहले से ही अवैध शराब के मामले में शामिल था। हमारे अंबाला पुलिस के द्वारा जो है अवैध शराब तस्करी के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं समय समय पर, और भी हमारे विशेष अभियान चल रहे हैं। तो इसी अभियान के तहत जो हमारे एंटी नारकोटिक सेल है हमारा SI वीरेंद्र के अंदर, तो कल जो है इस सेल ने हमारे 651 बोतल मतलब 53 पेटी जो है अवैध शराब हमने बरामद करी है, और जिसमें कि आरोपी है रविंदर कुमार उर्फ बिट्टू निवासी दुधला मंडी थाना पड़ाव, इससे जो है हमने ये रिकवर करी है। 53 कुल पेटी है जिनमें 30 पेटी पौए और 23 पेटी हमारी बॉटल मिली है, और जो लिकर का मार्का है वो है ताज़ा माल्टा और मस्ती माल्टा।
बहादुरगढ़ में चार दिन पहले माइनर में मिले महिला के शव मामले ने नया मोड़ ले लिया है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महिला के गले की हड्डी टूटी हुई है, इसीलिए पुलिस ने इस मामले में हत्या और शव को खुर्द खुर्द करने का मामला दर्ज किया है। लेकिन अभी तक महिला की शव की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया है। दिनांक 10/11/2022 को हमें सूचना प्राप्त हुई कि KMP फ्लाईओवर के नीचे रोहतक रोड पर एक नहर में एक औरत की लाश बहकर आई हुई है। जो सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, लाश को बाहर निकाला, शनाख्त के लिए प्रयास किए गए लेकिन उसकी शनाख्त नहीं हो पाई। उसके बाद लाश को GH बहादुरगढ़ में रखवाया गया, वहाँ पर भी शनाख्त के प्रयास किए गए लेकिन उसकी शनाख्त नहीं हो पाई और बाद में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या पाई गई, जो 302(2)(1) IPC का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।